So I met this guy. Say your name, please. Hello, I am Brandel. Where are you from? I am Russian. Russian, okay. Yeah. ठे गाइस अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं बोला था, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रिप पे जा रहे बोल के, और जो फर्स्ट वीडियो देखे उन लोगों को मालूम एंड में बोला था मैं ट्रिप पे जा रहे बोल के। अब फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट के अंदर है, मैं, हमारे इमरान भाई और हमारे तीन दोस्त यहाँ से क्या जा रहे। इधर थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इधर जा रहे कि गोवा जा रहे गाइस। तो ये वीडियो के अंदर पूरा गोवा एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं। जैसा कि बोला था हम जा रहे थे, टिकट हो गई हमारी, बोर्डिंग पास भी आ गया, सब हो गया। लेकिन एक चीज़ हमारे मोहित भाई के पास प्रूफ नहीं थी, तो इसलिए हम लोग बाहर रुकना पड़ा हमें। तो देखते हैं गाइस, कोई ना कोई प्रूफ कैरी करना बहुत ज़रूरी है, कभी आधार कार्ड वरना पैन कार्ड कुछ ना कुछ एक प्रूफ आइडेंटिटी अपना कैरी करना ज़रूरी है। भाई आ रहा मोहित भाई, रैपिडो आ रहा। क्या मंगा रहे रैपिडो से? पासपोर्ट। ला लेना ना भाई, कहीं भूल गए पासपोर्ट आप? बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सही बात, सही बात। मोहित भाई फ्लाइट में है, बैठे कभी नहीं, तो फर्स्ट टाइम है ये? फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ मैं भी, ये फर्स्ट टाइम है अपना दोनों का। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होना बोल के दुआ कर रहा हूँ। तुम मैं बाजुक बैठेंगे वो लोग। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोवा। तो मन भाई, और कैसा था सफर? सफर तो क्या है, एकदम लाइट था भाई, कुछ भी नहीं था, अच्छा गुजरा नहीं, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि दिखाया मैं सफ़र तुम्हें सिनेमैटिक से कैसा कैसा था, इट वॉज अ माई फर्स्ट फ्लाइट जर्नी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरी समझो। सो देखते हैं आगे चलकर। तो फाइनली गाइस पूरा सफ़र तमाम करके अभी हम रूम पे आए, रिसॉर्ट लिए, ये अकोला रिसॉर्ट बोल के अच्छा है, मैं बताता वो भी तुम्हारे को पूरा रिसॉर्ट। तो अब क्या है, थोड़ा फ्रेश अप होके नाश्ता वाश्ता करके फिर जाते हैं बीचेस के पास। इंशाल्लाह एक दो बीचेस तो कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन स्टे नहीं कर रहे यहाँ पर, थोड़ा एक अलग भी काम था, ज़्यादा दिन का यहाँ पर स्टे नहीं है। तो जो भी है दो दिन रहते उसमें ही वीडियो कवर करूँगा, तो एंड तक देखो डूड, अगर स्किप करे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाते आई थिंक, देखते रहो। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, अभी बाहर निकले। अब क्या है अब देखेंगे बाहर, अब अभी घूमने के लिए निकले, क्या रहता क्या नहीं जो भी है मसला अब देखेंगे। क्या बोलते हैं मोहित भाई, हमारे मोहित भाई माशाल्लाह से अच्छा हो गए,
ఏం లేదంటున్నా అట్లా పోయి తిరిగి రావాలి అంతే ఇక్కడ ఏం ఉండది ఉజ్బిని స్కూటీ లింగే బోలే తో హమారే మోహిత్ భాయ్ యాక్టివ్ ఆన్ కో బోర్ కో సి స్కూటీ హోనా ఫసినో 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 వో బి రెడ్ కలర్ కే హోనా కతే గోవా మే క్యా హై ఫేవరెట్ కలర్ హై రెడ్ కలర్ బహుత్ బడియా అచ్చా హై రెడ్ కలర్ ఫేవరెట్ కతే ఔర్ క్యా ఫసినో ఫేవరెట్ ఖాస్ బాత్ క్యా బోల్ ఫోటోస్ అచ్చే ఆతే ఐసా యో క్యా అప్నా కామ్ నికల్ జాతా ఐసా కే దోసే బి కరే ఆతే తో నా మజా తో ఢూండెంగే భాయ్ रूम के पास जो है वो गाड़ी छोड़ के फसीने के लिए हम पैदल हो चुके हैं। आगे बता तुम कहाँ मिलती की फसीनो देखते हो। ओ आई तो फाइनली गाइस स्कूटी ले लिए थे और यहाँ पर स्कूटी लेने का ही फायदा है, स्कूटी पे मजा आता अगर गोवा घूमना है तो। अब आ चुके हैं हम बीच पे पहली बार, क्या बोलते हैं मोहित भाई जो भी है मोहित भाई गया में गया था बीच। तो ये हमारी पहली गोवा की पहली और हमारी लाइफ की पहली हमारी लाइफ की पहली है। सो देखते हैं, मचाते हैं, एंजॉय करते हैं। और रिमाइंडर गाइस, जब भी हम स्कूटी लेते हैं मतलब उससे पहले एडवांस में वीडियो ले लेना बेस्ट, क्योंकि अगर स्क्रैचेस वैचेस कुछ भी गिरे समझो तो हमारे पे लेने के देने पड़ जाते, इसलिए क्या है एहतियातन रहना पड़ता है ऐसे चीज़ों में। तो देखते हैं अब क्या है, हमें बीच पे सब लोग शार्टा वाटा टी शर्टा पहन लेकर आए, लेकिन एक सिर्फ हम ही है जो एकदम फार्मर्स इंटरव्यू देने आए जैसे आ गए, लेकिन इंशाल्लाह वो हुलिया भी बदल देंगे कल, कल बदल देंगे क्योंकि आज जस्ट क्या है पूरे ट्रायला हैं आज, ताकि ड्रेसा चेंज करके कल शुरू करेंगे सोचे थे बीच पे हम, लेकिन हमसे रहा नहीं गया और हम लोग जो है अच्छा क्या है बीच से ड्रेस पहन के आ गए अभी। एंड बता तुम पूरा ड्रेस बहुत अलग ही दिख रहा है, कई को बोलता फर्स्ट टाइम है इसे शार्ट्स वर्ट्स पहनना मेरे को, लेकिन क्या है आफीफ भाई को थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है, फील हो रहा है, बट हम कौन जानता है, चलता फिर भी मैनेज करना पड़ता ऐसा जब जब। पर आ गए ड्रेसा वर्सा पहन लेके, यहाँ पर बागा बीच पीछे नाम है देखो बागा बीच पे आ गए, इंशाल्लाह कल दूसरी बीच पे जाएंगे, कल दूसरा एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे फैसल भाई भी आ रहे थे, उन्होंने आए तो और थोड़ा मजा होते, तो फैसल भाई भी अलग रहते जल रहे थोड़े। तो गया है गोवा गोवा बोलते, लेकिन ये मौसम में भी पब्लिक बहुत है यहाँ पर, भीड़ ऐसा नहीं कि पब्लिक कम रहती है, देखो पूरा कचरा कचरा है ऐसे प्लेसेस में आए। तो मेरी तरफ से एक आपको क्या रिकमेंड करूँ, कचरा रखो फेंकना अच्छा नहीं रहता, कचरा नहीं फेंकना देखो पूरा कैसा कूड़ा नहीं रखना, नीट रखना हमें फिर रहना हमें ऐसा। ऑलराइट सो गाइस इट्स अ डे टू इन गोवा, जैसा कि मैं तुम लोगों को बोला था कल हमारे फैसल भाई आ रहे थे बोल के, अभी सुबह सुबह वो लोग आ गए एंड वो लोग पूल के पास हैं, मैं तुम्हारे को बताता हूँ दिखाता हूँ आई मीन दिखाता हूँ तुम लोगों को, एंड पूल के पास मज़े लेते हैं पूल के, तो देखते रहो गाइस और मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, क्योंकि आज जो भी है हम लोग थोड़े नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, मतलब फोर्ट ऐसा बीचेस फोर्ट बीचेस जो भी है वो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लोर करके बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आ जाओ पानी में ठहर अलग उत्तम भैया मेरी है तो भाई, ये ब्लॉग हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी पर आप आ जाओ। आज गोवा में होटल में अल्हम्दुलिल्लाह कल भी थे एंजॉय कर रहे, आइए आप लोग भी ये देखिए हमारा फार्म है, आसिफ भाई के चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो। ऑलराइट तो गाइस जैसा कि बोला था मैं दूसरे दिन कहाँ घूमते बोल के, फर्स्ट क्या है हम कैंडोलिम बीच एक्सप्लोर करेंगे बोल क्या है, और हमारे साथ है हमारे नासिक भाई भाई, तो कल नहीं आए थे इन ला एक दिन डिले हो गए थे, तो देखते हैं यहाँ पर ये बीच बताता मस्त है ये। जैसा कि कल हम लोग जो एक्सप्लोर करे थे वो बागा बीच थी और आज हम आए कैंडोलिम बीच के पास,
सब लोग वहाँ क्या है बागा बीच बोल के बोलते हैं गोवा के अंदर, लेकिन वहाँ से ज़्यादा अच्छा वाइब यहाँ है। यहाँ पर हम लोग वहाँ खूब मस्ती एंजॉय करें। सिनेमैटिक्स में तुम दिखते हो और हमारे अमन भाई भाई नेक्स्ट लेवल इतना एंजॉय कहीं भी नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आ जाना, खत्म है आ जाना, एंजॉय कर लेना, डाल देना है बहुत। अब आगे व्लॉग में देखो और कहां कहां जाते क्या है पूरा देखना, स्किप करो तो कुछ भी समझ नहीं आता। क्या लगाना है अच्छा है, विजिट कर सकते आप। ये देखिए हमारे इमरान भाई है सस्ता चारू, इसी का सस्ता चारू। और कहाँ है अपने शिवाजी गोटे घूम रहे, सब अलग अलग मंदिर है, देखो शहर अलग उत्तम। ओके तो गाइस जैसा कि हम वो लोकेशन से अब दूसरे लोकेशन पे आ चुके हैं एंड ये है रोमियो लेन। यहाँ पर नासिक भाई रोमियो लेन में हम आ गए। यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर देखो हम मतलब नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि अब बीचेस है मतलब सिनेमैटिक्स में बहुत भारी दिखता है। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं अगले ब्लॉग में तकरीबन, आई थिंक कोई भी यहाँ पर नहीं बताए होंगे ये वीडियोस में रोमियो लेन बोल के, जो है यहाँ का व्यू एकदम हिल पे से दिखता, बीच मतलब ओशियन सीन फ्रॉम द हिल्स, देखते रहो डूड। ओके तो गाइस पूरा दिन घूम के जा है वो, तो सुबह में भी खाए थे वो नहीं बता सकते, पूरा दिन घूम लेके करके अब शाम के टाइम थोड़ा खा लेके क्या है कब में जाएंगे बोल के यहाँ रुके, तो अब वेटिंग चल रही उनके लिए। देखेंगे यहाँ पर होटल अच्छा है, अगर गोवा में आ रहे तो यहाँ पर ट्राई करो क्योंकि ये लोग सर्व भी अच्छा करते हैं फूड भी अच्छा रहता। नाम जो है हैदराबादी दम बिरयानी बोल के रहता, दिख जाता येलो कलर में रहता पूरा बोर्ड, खाली दिखता तुम्हारे पास। हम लोग अभी आए देखो डिनर करने, प्रॉन्स करी और प्लेन रोटी बोले तो रोटी लेके आए नहीं, थोड़ी जली भी है बट चला लेंगे, क्या करते गोवा में चला लेंगे, हैदराबाद रहता कुछ रहता नहीं चलता था कुछ भी बोल सकते थे। उसके बाद आपको और दाल वाल जो है वो बताइए, सब देखो आप लोग लाइक करो शेयर करो ताकि बता दो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं टीटोस लेन, सब कुछ जाएंगे बोला था ना, यहाँ पर ही रहता वन ऑफ द बेस्ट एरिया गोवा के अंदर तकरीबन, वो तक में एक्सप्लोर करते हैं टीटोस लेन बोल के, तो यहाँ पर बताएंगे तुम्हारे को टीटोस लेन कैसा रहता देखो। Oh,
ओके तो गाइस हमारा डे थ्री शुरू हो रहा है रास्ते में। रास्ते में क्यों शुरू हो रहा है एक बार बोलोगे? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कोका बीच, वहाँ हमको बहुत सारे हम लोग राइड्स करने वाले हैं। राइड्स करने हैं तो नहीं नहीं, मेन मसला बोलेंगे उनको इतना जल्दी यहाँ पर कहीं को स्टार्ट हो रहा बोले तो रात में क्लबिंग लगेंगे। बात सो गए, हम लोग 4 बजे रात को आए, 4 बजे आए आके सो गए। नहीं हुई लोग 7:30 को उठा के पैसे की हालत हालत नहीं रही, बस कर दिए भाई। यहाँ पर क्या है, पैकेज प्लान लिए थे हम लोग और वो पैकेज वाला क्या है, सुबह के 6 बजे से दम कर रहा, फोना कर रहा, सबको पिकअप कर लिया गया थे हम लोग 9 बजे हम लोग गाड़ी में चढ़े तो पूरे गाड़ी और दूसरे पैसेंजर अभी क्या हमारे से नाराज हो गए थे थोड़ा बहुत सता लिया बोलते। एंड देखो तुम सब बताएंगे आगे। तो गाइस जैसा कि मैं बोला था, तीसरा दिन हमारा गोवा के अंदर। एंड आज का दिन क्या है गाइस, बहुत ही ख़तरनाक गया, मतलब अच्छा भी गया थोड़ा बहुत बुरा भी हुआ। क्यों बोले तो यहाँ पर गाइस गोवा का अगर तुम लोग आ रहे तो मेरी तरफ से एक सजेस्ट, जो कि प्लान्स बनाते यहाँ पर वहाँ पर घुमाते आप लोगों को बोल के, जो प्रोग्राम बना के ग्रुप बना के लिख जाते हैं बोल के, जो भी यहाँ पर आपको विजिटर्स को बोलते वो सारा फेक रहता, मतलब उसके अंदर राइड्स तुम लोगों को मिलती होंगे डूड, बट जो बजट है वो लोग एक अमाउंट बोलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद और कुछ मतलब एवरी राइड के लिए अलग अलग पैसा वसूल करने देखते। सो इसी के चलते हम लोग क्या करें, वो छोड़ दिए भाई, एडवांस गए तो गया बोल के पूरा छोड़ देंगे क्या है, फिर रिटर्न बीच के पास आए घूमेंगे मस्त छिल करेंगे बोल के। लेकिन हम लोग आए जब से क्या है अलग बात बोल तो गोवा को आए पर बीच में हम लोग भीगे नहीं थे, तो आज लास्ट दिन हम लोग बीच में मज़े कर रहे थे। सो देखो गाइस अगर गोवा में आ रहे तो बीच तो आते तकरीबन लोग, बट अंदर वेव्स के पास जाना ये सब खेलना लोग पसंद नहीं करते, बट असल मज़ा उसमें छे डूड गोवा के अंदर। सो देखते रहो असल भाई। देखो मैं हम आपको बताता हूँ आशीष भाई का आउटफिट, जो पूरा कट शर्ट पहने आशीष भाई, जब से फुल इंजॉय करे पूरा दबा के इंजॉय, ये पूरा कुप्पा कर रहे हैं आशीष भाई 3-4 दिन से, तो शहर अलग सब हमारे बॉयज चिल कर रहे हैं। तो गाइस 3 दिन के टूर के बाद हम आज चेकआउट कर दे रहे हैं होटल से भी और गोवा से भी, अब जाएंगे एयरपोर्ट। और फैसल में मजा आया नहीं आया? जबरदस्त ये व्लॉग पूरा आप लोग अब तक तो देख लिया होगा पिछले क्या क्या करे हम लोग पूरा देख के एकदम जबरदस्त। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कन्फर्म अगर आप आ रहे तो व्लॉग ये देखना जरूरी है। क्यों बोल तो थोड़े स्कैमा भी थोड़े मजे भी होते गाइस, देखो अगर सब्सक्राइब करो
और कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट करो।